हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पैटर्न अलाउंसेस के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल के बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड है उसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, जिसमें फर्स्ट जो टाइप रहता है वो है नेचुरल सैंड। सो फ्रेंड्स, नेचुरल सैंड किसे कहेंगे? जो नेचर से हमें मिलती है उसे हम नेचुरल सैंड कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेचुरल सैंड में जो क्ले होता है वो 5-20% क्ले होता है, ठीक है। और उसमें हम वाटर को ऐड कर देते हैं। तो वाटर कितना ऐड करना है? 5-8% ऑफ वाटर। क्यों ऐड करना है? ताकि उसमें हम उसको मिक्स कर सके और उसको सस्टेन रख सके, इसीलिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि इट्स कंटेन द बाइंडिंग मटेरियल्स ऑफ 5-20% क्ले एंड नीड ओनली वाटर टू मिक्स बिफोर मेकिंग द मोल्ड। नाउ इट कैन मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वो क्या करता है? लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर, ऑब्वियसली कि नेचर से हमें मिलता है इसीलिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी उसके अंदर रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सैंड परमिट ईजीली पेचिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मोल्ड। तो फ्रेंड्स, पेचिंग का मतलब क्या है? कि कभी कभी जब सैंड जो होती है वो ड्राई होती है तो उसके बीच में गैप पड़ने लगती है, तो वो गैप को वो हमें क्या करना पड़ता है? फिल करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द पेचिंग, ओके। नाउ द नेचुरल सैंड आर लेस रिफ्रैक्टरी देन द सिंथेटिक सैंड एंड ऑल्सो लेस कॉस्टली। तो जो रिफ्रैक्टरीनेस होती है, जो हीट टेम्परेचर कैपेसिटी जो होती है, वो नेचुरल सैंड की कम होती है, और वो नेचर से हमें प्राप्त होती है तो ऑब्वियसली कि उसकी कॉस्ट भी कम होती है। Hence the natural sands are used for the cast iron and non-ferrous casting। ये important है कि cast iron के लिए and non-ferrous casting material के लिए हम उसको use करते हैं। दूसरा जो है synthetic sand। अब friends, synthetic का मतलब क्या है? Synthetic मतलब कि हम क्या है उसको कुछ उसमें कुछ add करते हैं, कुछ निकालते हैं और उसको उस form में convert करते हैं। That is called the synthetic। So it consists of natural sand with or without clay, ठीक है। तो वो विथ या तो विदाउट क्ले हमें मिलती है। देन मॉइस्चर एंड बाइंडर लाइक बेंटोनाइट, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है? उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है। उसमें क्या करेंगे? हम बाइंडर ऐड करेंगे, जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से, जो प्रॉपर्टीज चाहिए, जो ग्रेन साइज चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें बाइंडर्स जो है वो ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पे बोला जाता है इट इज़ अ फॉर्मुलेटेड सैंड। नाउ इट इज यूज फॉर द स्टील एंड अदर फेरस एज वेल एज नॉन फेरस एलॉय कास्टिंग। तो मटेरियल की भी बात की है कि सिंथेटिक सैंड जो है वो कौन से मटेरियल में यूज किया जा सकता है। नाउ कुछ एडवांटेज रहते हैं यहाँ पे कंपेयर विद द नेचुरल सैंड। तो ऑब्वियसली नेचुरल सैंड तो नेचर से मिलती है, जो होती है वही हमें एक्सेप्ट करनी है। सिंथेटिक में हम क्या करते हैं? उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इट्स रिक्वायर द लेस प्रोपोर्शन ऑफ द बाइंडर, ठीक है। बाइंडर हम जितना बने उतना कम उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हाई रिफ्रैक्टरीनेस एंड परमेबिलिटी। ये जो है परमेबिलिटी क्या है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन रिफ्रैक्टरीनेस ज़्यादा रहती है उसकी और परमेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। प्रॉपर्टीज कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐड कर सकते हैं बाइंडर्स को और सबको, क्ले बाइंडर्स, वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को है कंट्रोल कर सकते हैं। देन ग्रेन साइज इज मोर यूनिफॉर्म, इक्वल ग्रेन साइज रख सकते हैं। इट इज़ मोर सुटेबल इन मास प्रोडक्शन एंड मेकेनाइज फाउंड्रीज, ओके। नाउ इट रिक्वायर द लेस स्टोरेज स्पेस। तो ये था सिंथेटिक सैंड के बारे में, ठीक है। तो एक तो हुआ नेचुरल सैंड, दूसरा हुआ सिंथेटिक सैंड। अब थर्ड जो है उसको हम बोलेंगे स्पेशियल सैंड्स, ठीक है, स्पेशियल सैंड्स। तो स्पेशियल सैंड जो है उसमें ग्रीन सैंड, लोम सैंड, कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड एंड बैकिंग सैंड, ये उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, स्पेशियल सैंड। अब ग्रीन सैंड, ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है हरा, हरे का मतलब है वो मॉइस्चर उस कंटेन उसमें रहते हैं, ठीक है। सो द सैंड विच हैव अ कंडीशन एंड कंटेन 5% ऑफ वाटर एंड 15-30% ऑफ द क्ले। तो ये उसमें जो है 15-30% क्ले रहता है, 5% वाटर रहता है, और वो मोल्ड एंड कोर दोनों बनाने के लिए यूज होता है। देन ग्रीन सैंड मोल्ड आर पॉर्ड इन अ ग्रीन कंडीशन, मतलब कि वो ग्रीन कंडीशन में उसको ड्राई करने की ज़रूरत
नहीं है, इसीलिए ग्रीन नाम दिया है ग्रीन सैंड। उसको बिना ड्राई किए हम उसमें मेटल को पोर करेंगे। इट्स प्रिफर्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग सिंपल स्मॉल एंड मीडियम साइज कास्टिंग। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्रीन सैंड। नाउ सेकंड इज लोम सैंड। इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ क्ले। ठीक है, लोम सैंड का मतलब कि हम बोलते हैं ना, आप अगर चिकनी माटी हम बोलते हैं एकदम, मतलब उसमें ज़्यादा क्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 50% ऑफ क्ले। लॉम सैंड ड्राइज हार्ड, मतलब अगर उसे वो ड्राई हो जाता है तो फिर वो एकदम हार्ड हो जाता है। ओके, देन इट्स इंग्रेडिएंट्स आर फाइन सैंड। उसके जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वो कौन कौन है, तो फाइन सैंड, फाइनली ग्राउंड रिफ्रैक्टरीज, क्ले, ग्रेफाइट एंड फाइबरस रेनफोर्समेंट, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग द मोल्ड फॉर द हैवी एंड लार्ज पार्ट। ठीक है, वो हैवी एंड लार्ज पार्ट के लिए यूज होता है, जबकि जो ग्रीन सैंड है वो सिंपल स्मॉल एंड मीडियम साइज कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज कोर सैंड। ओके, सो कोर सैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द मोल्डिंग सैंड एंड इट्स अ वेरी लो क्ले कंटेंट। इसमें जो क्ले कंटेंट है वो कम रहता है, ग्रेन साइज ज़्यादा रहती है, मतलब बड़ी रहती है, एंड परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, इंक्रीज द परमेबिलिटी। तो जो कोर रहता है ना उसके लिए जो ग्रेन साइज है वो हमें ज़्यादा रखनी है, और ग्रेन साइज ज़्यादा रहने की वजह से उसमें परमेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या है जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो क्ले कंटेंट है वो कम है। तो बेसिकली जो कोर सैंड है इट इज़ अ सिलिका सैंड। ओके, कोर सैंड जो है इट इज सिलिका सैंड मिक्स्ड विद द कोर ऑयल। ये जो कोर ऑयल है विच इज कंपोज्ड लिंसिड ऑयल, रेजिन्स और लाइट मिनरल ऑयल एंड अदर बाइंडिंग मटेरियल्स। ओके, नाउ द कोर सैंड इज सूटेबल सैंड मिक्सचर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द कोर, वो तो हमने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिंग सैंड। अब नाम ही ऐसा है, पार्टिंग सैंड, पार्ट यानी कि डिफ्रेंशिएट करना। तो कोप से ड्रैग जो है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहता है तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, पार्टिंग सैंड लगा देते हैं। अब जो पैटर्न होता है जब हम मोल्ड बनाते हैं उसके अंदर पैटर्न रहता है, तो पैटर्न को निकालने के लिए वो जो सरफेस होगी सैंड से अलग होनी चाहिए पैटर्न की, तो वो पैटर्न को सरफेस अलग करने के लिए भी हम पार्टिंग सैंड यूज करते हैं। सो इट कंसिस्ट अ ड्राइड सिलिका सैंड, सी सैंड और बर्न सैंड। इट इज़ यूज टू कीप द ग्रीन सैंड फ्रॉम द स्टिकिंग टू द पैटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, इट्स यूज टू कीप द ग्रीन सैंड फ्रॉम द स्टिकिंग टू द पैटर्न एंड ऑल्सो अलाउ द सैंड ऑन द पार्टिंग सरफेस ऑफ कॉप एंड ड्रैग टू सेपरेट विदाउट क्लीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ इट्स पार्टिंग कंपाउंड मे बी ड्राई और लिक्विड। जो पार्टिंग कंपाउंड रहते हैं वो मे बी ड्राई रहते हैं या तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सो ड्राई पार्टिंग सब्सटेंस आर चारकोल्स, ग्राउंड बोन, लाइमस्टोन्स, ग्राउंड नट सेल्स, ये जो है वो ड्राई हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स हैं। उसके बाद लिक्विड सब्सटेंस जो है दैट आर पेट्रोलियम जेली मिक्स्ड विद द ऑयल, पैराफिन एंड स्टेरिक एसिड, तो ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड पार्टिंग सैंड में यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फेसिंग सैंड। तो जैसे नाम वैसा काम, फेसिंग सैंड, फेस पे हम लगा देते हैं उसको। सो इट इज़ फ्रेश एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड मोल्डिंग सैंड विच कवर द पैटर्न ऑल अराउंड इट, पैटर्न के सब जगह वो कवर करके रखते हैं, थस फॉर्म अ फेस ऑफ द मोल्ड कैविटी। जो मोल्ड कैविटी है उसके फेस में वो रहता है। ठीक है, इट कम्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मोल्टन मेटल। मोल्ड की फेस में रहेगा, उसके बाद मेटल को पोर करेंगे तो वो डायरेक्टली कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद द मोल्टन मेटल, हैंस इट शुड बी पजेस्ड मच इम्प्रूव प्रॉपर्टीज देन अदर सैंड। ओके, नाउ वेरियस फेसिंग मटेरियल्स आर प्लम्बैग, ग्रेफाइट, टाल, मोलासिस एट्सेट्रा, तो ये जो फेसिंग मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सैंड। इट इज अ सैंड विच बैकअप द फेसिंग सैंड। ये जो फेसिंग सैंड हमने लगाया उसका भी एक बैकअप है, दैट इज कॉल्ड द बेकिंग सैंड, और वो ब्लैक कलर का रहता है, इसीलिए हम कभी कभी उसको ब्लैक सैंड भी बोलते हैं। एंड इट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैटर्न, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता पैटर्न, पैटर्न निकल जाने के बाद उसमें जो फेसिंग सैंड रहती है उसके ऊपर ये लगा सकते हैं।
इट शुड बी क्लीन ऑफ द फॉरेन मैटर्स लाइक फिन्स नेल्स एटसेट्रा बिफोर द यूज. ओके नाउ इट इज फ्लोर सैंड विच कैन यूज अगेन एंड अगेन. ठीक है, वो क्यों हम डालते हैं बेकिंग सैंड, तो वो एक बेकिंग है, फेसिंग सैंड के ऊपर डालते हैं और उससे क्या होता है, नेल्स जो होते हैं या कोई मतलब खिली होती है या कोई फिन्स होता है तो जो पार्ट्स रहते हैं ना वो निकल जाते हैं, है ना, बिफोर यूज हम उसको मोल्टन मेटल डालने से पहले ये बेकिंग सैंड डाल देते हैं. ठीक है, और उसको साफ कर देते हैं. ओके सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड. फ्रेंड्स होप आपको ये सब समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है आपको मिलते रहे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.